हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आज हम यहाँ पे ले आए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, तो फर्स्टली जितना हम इससे पहले पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि जो लोग पहली बार ये देख रहे हों, पार्ट 1 नहीं देखे हों, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर जीके। कंप्यूटर किस तरह की डिवाइस है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर के पिता या मॉडर्न कंप्यूटर के पिता, इस तरीके से फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, चार्ल्स बैबेज। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया था, पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बंगलुरु के प्रधान डाकघर में लाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान से हुआ। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। कंप्यूटर में प्रयुक्त तो होने वाला आईसी चिप किस चीज़ का बना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आईसी का फुल फॉर्म बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ पे सुरक्षित करता है, मेमोरी में। आईसी का फुल फॉर्म देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट की स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। WWW का पूर्ण रूप बताना है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से WAN का फुल फॉर्म पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क। रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार, और SSC में तो पूछा ही जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है BDU का पूर्ण रूप। तो BDU का भी फुल फॉर्म ही पूछा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML का फुल फॉर्म, SSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, HTML, HTTP और HTML का फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, BDU। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन और कितने फंक्शन कीज होते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में CCC का पेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज होती हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में, मतलब कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें वो डेटा को रीड करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर डेटा को रीड करता है। और भी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बट वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही डेटा को रीड करता है 0 और 1 के फॉर्म में। फ्लॉपी डिस्क की साइज 3.25 इंच तथा 5.25 इंच होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं, संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉगआउट कहते हैं। इसको तो बताना ही नहीं है, इससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम या रोम या किस तरीके की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो रैम का प्रयोग किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की सूची को क्या कहते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की सूची को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की सूची को मेन्यू कहते हैं, या मेन्यू भी आप कह सकते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन का काम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ये। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या है, कंप्यूटर के डंप होने का सबसे मेन रीज़न होता है वायरस।
कंप्यूटर वायरस एक किस तरीके का प्रोग्राम है, पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव है या किसी और तरीके का प्रोग्राम है, तो कंप्यूटर वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, क्योंकि उसे हम छू भी सकते हैं और तरीके से यूज भी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है जो कि फिजिकल ना होके उसे मतलब हम टच नहीं कर सकते, एक प्रोग्राम के फॉर्म में होता है जिसे हम बस यूज़ कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये है फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस जो है कंप्यूटर की, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्ड डिस्क की गति को किस में मापा जाता है, हार्ड डिस्क की गति को RPM में मापा जाता है। IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है, कंप्यूटर की एक कंपनी है। अगला है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो मेन पेज होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। डॉस और विंडोज एक प्रकार के क्या हैं, डॉस और विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर एंड पेन लाइट किस तरीके की डिवाइस हैं, माउस तो माउस से आप लोग परिचित ही हैं, माउस कीबोर्ड ये सब आप यूज ही करते हैं, इसमें एक नया नाम देखने को मिल रहा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी माउस के तरीके की ही एक इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर पेन लाइट ये सब इनपुट डिवाइस के तरीके से यूज होते हैं और इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण भी हैं ये लोग। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर पेन लाइट, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या ऑड वन आउट में से पूछा जाता है कि इसमें से एक विषम बताइए कौन सा, मतलब चार इन तीन इनपुट डिवाइस दे देंगे एक आउटपुट डिवाइस दे देंगे, तो उसमें से आपको पिकआउट वन करना रहता है। तो अगला है हमारा कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर स्पीकर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण कौन से प्रोग्राम द्वारा होता है, तो सोर्स प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण, जिसे हम ट्रांसफर भी कह सकते हैं या फिर चेंज होता है, उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। इंग्लिश के समान उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहते हैं कंप्यूटर में।